साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। जब अंदर का शोक खत्म हो जाए तो तू भी मुझे माफ कर देना नाजू। हम दोनों तो बच गए, मारा तो 7 साल मान गया ना। अहमद औरत कहां जा रही थी? कहीं भी नहीं चलती जी, मैं भला कहां जा सकती? ज्यादा से ज्यादा शादाब मिल्क सप्लाई तक, डेयरी फार्म तक। चल मेरी जिंद, चल 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 के चुक तू भी। हट 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 हा सलाम अलैकुम बाबा निजाम दीन। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह खैर। आ बैठ अपने बुजुर्गों से दुख सुख करने, आ जा। इस बार का दुख कैसा है बाबा, जो जाने का नाम नहीं ले रहा? तूने तो सुना ही है। सुना है, कई बंदों से सुना है। हर एक से सुना है। तो मास्टर मूसा की बीमारी का कोई दारू जानता? पहले अपना इलाज कर चौधरी, फिर दूसरे का दारू तलाश कर। मेरा इलाज? जब किसी दूसरे में कोई बुराई नजर आए ना, तो पहले उसे अपने अंदर तलाश कर, समझा? अपने अंदर? जब मुझे अपनी भेड़ों में जुए और लिखे नजर आती है ना, तो मैं पता क्या करता हूँ? सबसे पहले अपना कंबल फरोल कर देखता हूँ जो पिस्सुओं से भरा होता है। नीचे हो जा चौधरी, फर्श का शमला उतार कर, फर्श का पैमन देख, इनको देख और फिर सोच। ऐसा करने से मुझे मास्टर मूसा की बारगाह से माफी मिल जाएगी? मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी? वो कैसे?
हमारे कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट की बारी है। इस बार न सिर्फ सात सलमान आर्किटेक्चर में फर्स्ट आए हैं बल्कि उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। उनके साथ डिग्री हासिल करने वाले पहले पांच कैंडिडेट्स हैं सात सलमान, फैजान अली, हमीद शाह, हुमैर इस्माइल, फाजिल दुर्रानी। और साथ सलमान के लिए स्टैंडिंग ओवेशन। अमेरिका से वापस लौटी हूं। मुझे ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि सात सलमान अब हमें मौजूद नहीं है। मैं मास्टर मूसा से सदा करती हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और सात सलमान का गोल्ड मेडल मौसूल फरमाएं। पहुंचा दिया बल्कि उसकी तो पर्सनालिटी ही बहुत अच्छी थी और उसको कामयाब करने में इनका बहुत हाथ है। बचड़ा, उठ पुत्र, उठ शाबाश, मैंने तेरी नजर उतारनी पुत्र। लेकिन क्यों? पुत्र तुझे किसी चंद्रे कमीने की नजर लग गई है और कुछ भी नहीं है तुझे। अम्मा, मां सदके अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो घबराना। हाय हाय, एवं कुछ हो जाए तुझे, फर्ज कर ऐसे कुछ हो जाए। चल शाबाश, उठ उठ, अरे हुक्म मान, अदब सीख, चल उठ उठ। मुझे पता था, मुझे यकीन था आखिर में तू ही जीतेगी।
नहीं जानते। इधरा ये ले, ये सातों मिर्चें जाके ना उसमें डाल दे, और देख जे तुझे छीके ना ना आए तो समझदा नजर पक्की लगी है। चल जा फटाफट। अब मैं जाऊं मां। एवें जाऊं, आराम से बैठ जा। चल नी जनते, नी इधर आ। चल जा, जा जाके देख उधर मिर्चों को। अम्मा कितने थे? जितने भी थे, तुझे क्या, तेरे परिवार ने से कम थे। मैं रात गुजर गई चौधरी, देगे नहीं चढ़ी इस बार। पक जाएंगे मुझे यार। कहां से आ रहा है इस वक्त? बाबा निजाम जी से मिलके रास्ते में मिला था मुझे। कौन सा निजाम? वो चरवा बकर वाली वाला, उसने एक नई तरकीब बताई है मुझे। वो क्या? उसने कहा कि तू और तेरी बीवी जो है वो गिरजा घर से जाओ, वहाँ जाके हाथ जोड़ के अल्लाह के सामने खुलो के सवाल करे। छोटी छोटी बड़ी बड़ी कुंवारी जवान लड़कियों को ले जाके लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे, गुनाम रख के सर पर ले जाके चौधरी मास्टर मूसा के काम जाए, फिर जाके कोई काम बने। निजामुद्दीन चरवाही ने ये सब कहा? मास्टर साहब मैं आपकी खिदमत में बतौर एक खास हाजिर हुआ हूँ। मैं दूर दराज दौरे पर था जब चौधरी अब्दुल जवार अपनी जीप दुड़ाते हमारे कैंप पहुंचे। जी। चौधरी अब्दुल जवार इस इलाके के रईस और हमारे खास दोस्तों में से हैं। जी। उन्होंने मेरे जरिए आपसे दरख्वास्त की है कि प्लीज आप उन्हें माफ कर दें। उनकी मेहरबानी है जी, मगर देखिए ना, जब उनका कोई कसूर ही नहीं है मैं उन्हें कैसे माफ कर दूं। मैं डिविजनल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की हसीयत से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हुआ, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं तो आपके एक साथी और रफीक और आपके हम पेशा की हसीयत से हाजिर हुआ हूँ। हुजूर वाला, एक प्राइमरी हेड मदरस के लिए तो ये बड़े एजाज की बात है कि डिविजनल इंस्पेक्टर उसके मामूली से स्कूल में तशरीफ लाए, लेकिन मैं आपकी फरमाइश पूरी करने से कासिल हूं। मगर क्यों मास्टर साहब, क्या शय माने है? मैं आपसे माफी चाहूंगा हुजूर, मेरे पास कुछ नहीं है, अंदर बाहर सब खाली है, दुख ने मुझे दरिंदे की तरह अपने पंजों में जकड़ रखा है। जो शख्स इतना मजबूर हो वो भला किसी को क्या दे सकता है? तो गोया मैं यहां से खाली हाथ जाऊं बेनीलो मराम? लेकिन खाली खुली बांस की बोरी किसी को कुछ दे भी क्या सकती है? चौधरी जी, सरफराज साहब, जनाब अली। क्या? ये पानी पी लो। क्यों? हर बात में क्यों, क्या, कैसे तलाश नहीं किया करते?
ईमान वाले आमन्ना सदकना कह के मान जाया करते हैं। मुझे प्यास नहीं है नासो। ये पानी तो पीना पड़ेगा, मैं हजरत की तानी से दम करा के लाई हूं। दम क्यों कराए, क्या मुश्किल है तुम्हें? दम कराया है कि मियां बीवी में मोहब्बत बढ़े। ना बाबा ना, मैं इस मोहब्बत के हाथों पहले ही बहुत कुछ भुगत चुका हूं। इंसान का दिल मोहब्बत से खाली रहे तो अच्छा है। अक्ल इतना इंसान को भटकाकर नुकसान नहीं पहुंचाती जितना मोहब्बत। हमेशा की तरह उल्टी बात। क्या होता जा रहा है तुम्हें? अच्छी बातों से ईमान क्यों उठता जा रहा है तुम्हारा? मेरे अंदर साथ साथ दो नहरें चलती, एक उल्टी एक सीधी। नाजो, मैं बड़े घर की पनीरी हूं। मेरी कोई पत्ती सब्ज है, कोई जर्द, कोई काली। बड़ा उमदा टेढ़ा मिजाज है मेरा। बयक वक्त अपोजिट, रिवर्स। तुम ये सोचना बंद नहीं कर सकते? हर वक्त अपने आप को कोड़े मारकर लहू लुहान कर लिया है। दरअसल मैं एक अजली इंसान हूं नाजो। अपने अंदर बहने वाले साफ और गंदे खून से दामन नहीं छुड़ा सकता। जाने पता नहीं कब चलते चलते मुझ पर बदी गालब आ जाए और मैं दूर पहुंच कर पत्ता पता होकर बिखर जाऊं, या गंदे गहरे पानियों के रास्ते साफ और पाकीज़ा चश्मों में उतर जाऊं। तुम एक अच्छी औरत हो, तुम्हें सिवाय ममता के और कुछ इल्म नहीं। इतनी अच्छी भी नहीं हूं सरफराज, मैं भी आटे का भगवान हूं। अंदर रखो तो चूहा कुतरे, बाहर रखो तो कब वाले जाए। मुझे भी अपने आप पे कोई इख्तियार नहीं है। बड़ी से बड़ी हस्ती को अपने ऊपर इख्तियार नहीं होता, खतरा आखिरी दम तक मौजूद रहता है। क्या हम सब कुछ भूलकर एक बार, सिर्फ एक बार एक चांस नहीं ले सकते? मैं तो शायद खुली हवा में सांस ले सकता हूं, लेकिन मेरा बाप किसी और मिट्टी का बना हुआ है। वो सारा सारा दिन दीवानों की तरह कब्रिस्तान में दादी की कब्र पे बैठा रहता है। अगर मास्टर मूसा ने उसे माफ ना किया तो उसके पास जिंदा रहने का कोई जवाब नहीं रहेगा, और अगर वो जिंदा ना रहा तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। मास्टर जी। बेटा, इतनी रात गए बेटी घर से निकले तो जरूर कोई बात अहमियत की हामिल होगी। बैठो बेटा, बैठो। अरे कहाँ बैठी हूँ बेटा? बेटा इस मुड़े पे बैठो, मेरे सामने बैठो बेटा। आप इशरार न कीजिए, मैं
आपके बराबर नहीं बैठ सकती। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी, जैसे तेरा मन करे बेटा। क्या बेटा, बैठो बेटा। अरे ये क्या करती हो बेटी, ये क्या करती हो? आप मुझे माफ कर दें मास्टर जी, अपने सलमान की खातिर, अपने शहजादे की खातिर। मैं तुझे कैसे माफ ना करूं? नाजो, तू तो बेटी है इस बस्ती की, इस गांव की इज्जत है। अरे बेटियां बाप से माफी थोड़ा ही मांगा करती है। मुझसे बड़ी भूल हो गई मास्टर जी, मैं आपके सलमान को संभाल नहीं सकी। इसका तो मुझे जब भी इल्म था, जब तू उसकी किताबें लौटा ले आया करती थी, उस वक्त भी पता था, जब तू उसके साथ पुरानी हवेली की पैबाइश कराया करती थी, मैं उस वक्त भी डरता था, घबराता था, कुछ कहने से अकलाता था, क्योंकि वो तुम्हारी संगत में इतना खुश था, वो तुम्हारे ख्यालों में इतना ऊंचा बसराम करता था कि मुझसे तो उसकी मुलाकात ही नहीं होती थी। मैंने भी तो उसे बहुत कम देखा है मास्टर जी, सब कुछ मिला के सिर्फ 7 घंटे और 40 मिनट। लेकिन इन 7 घंटों और 40 मिनटों की उसने कितनी बड़ी कीमत अदा की। फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, दिल से, रूह की गहराइयों से, कल्बे समीम से। अगर मुझे माफ कर दिया है तो एक बार मेरे ताए को भी माफ कर दीजिए, चौधरी अब्दुल जब्बार को, सरफराज को, हमारे घराने को। बस अब तो बेटी नहीं रही, चौधरी सरफराज की बीवी और अपने ताए की बहू बन गई है। अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, वो नाता तेरी बात के एक अंकर से पूरी झील को कतला कर गया। लो अब रुखसत हो कि तेरे रुखसत होने का वक्त आ गया है। अगर मेरी बेटी हो तो फिर कभी मेरे दरवाजे पर दस्तक न देना। खुदा हाफिज। Thank you.
आइए आइए चौधरी सरफराज साहब, बैठने तशरीफ रखें। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हुक्म? हुक्म यह थानेदार साहब कि मैं मसूद साद सलमान के कत्ल के सिलसिले में आपको जरूरी इंफॉर्मेशन देने आया। साद सलमान के कत्ल की हैसियत से इकबाल जुर्म करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। चौधरी साहब, और आला एक कत्ल आपके हवाले करता हूं, जिसने मुझे आज तक बेहद बेचैन और बेकरार रखा। ये आप क्या कर रहे हैं चौधरी साहब? मैं वही कर रहा हूं जो मुझे आज से बहुत पहले कर देना चाहिए था। हम ये कैसे मान लें चौधरी साहब कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो हकीकत पर मबनी है? और वकुआ के बाद इतनी ताखीर से कर रहे हैं? मैं जो कुछ कर रहा हूं उस बड़ी कमांड के हुक्म पे कर रहा हूं जिसका ऑर्डर मुझे अब महसूस हुआ। बड़ी कमांड? मेरे अंदर एहसास की ऐसी लहरें आती जाती हैं थानेदार साहब, जैसे छोटी रेजिमेंटें फतह के शादियाने बजाती हुई मार्च पास्ट कर रही हूं, लेकिन दूर फासले पर भारी फौज उसी तरह साकत और साथ मौजूद हो, मजबूत अटल फैसला कुन पोजीशन में। अब खुशी के शादियाने बजने बंद हो गए हैं थानेदार साहब, और मेरे अंदर की बड़ी कमांड के ऑर्डर मुझे मौसूल हो गए। क्या आपने बड़े चौधरी साहब से मशवरा कर लिया है? मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया था। बताओगी दे सब
सबको माफी बिताया, बाकी अल्लाह काफी, बाकी अल्लाह काफी। मान मासूमों की छोड़ दनाऊंगी, मान मासूमों की छोड़ दनाऊंगी, सबको माफी बिताया, बाकी अल्लाह काफी, बाकी अल्लाह काफी। धूप में तुझसे आस है छाओं की, धूप में तुझसे आस है छाओं की, दे सबको माफी बिताया, बाकी अल्लाह काफी, बाकी अल्लाह काफी। डाल दे सर पर चादर दुआओं की, डाल दे सर पर चादर दुआओं की, सबको माफी बिताया, बाकी अल्लाह काफी, बाकी अल्लाह काफी। तेरे दर आया दिया तेरे गाँव की, तेरे दर आया दिया तेरे गाँव की, दे दे सबको माफी बिताया। ये क्या किया जालिम तूने मेरे साथ, ये क्या किया? मेरे दरवाजे पर दियो का धड़ा लेकर आ गया, ये मासूम भेड़ों का गल्ला, पाक दामन बेटियों बेटियों की भीड़। मैंने तेरे साथ क्या बुराई की है चौधरी जब्बार, जो दियो का झुंड लेकर मेरे दरवाजे पर आ गया तू? ओए ओए गांव के लोगों, मैं मारा गया, और मैं तबाह हो गया गांव वालों, और मैं तुम्हारे आगे और मैं हाथ जोड़ता हूँ गांव वालों, मेरी मदद करो, मेरी दस्तगीरी करो, मेरी दस्तियारी करो। मास्टर मूसा तुम्हारी मदद का मुंतजर है, तुम्हारी मदद का मुंतजर है गांव वालों। जाओ बेटियों, तियो जाओ, बीबियों जाओ, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मास्टर मूसा ने तुम्हारे हुक्म पर अपना सर झुका दिया, तुम्हारे तुम्हारे फरमान पर मैंने चौधरी जब्बार को माफ कर दिया, इसकी आल औलाद, इसकी जंग पुष्ट को माफ कर दिया मैंने। बेटियों के अमर पर मैंने चौधरी जब्बार की दरखास्त मान ली, जबान से, कल्ब से, रूह से मान ली, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मान ली। ऐ लोगों, शालाकोट के लोगों, गवाह रहना, मेरी गवाही देना, मेरी शहादत देना, मैं बेटियों के हुक्म से इनकारी नहीं हुआ, मैंने उनके फरमान की हुक्मदूली नहीं की, मैं उनकी आज्ञा से हटकर नहीं चला, मैं ये
बेटी तो एक बार नहीं होती, तू मुझ पर सारे गांव की बेटियों का जिरगा लेकर आया है, इसलिए कि मैं कमजोर हूं, मैं मजलूम हूं, बे यारो मददगार हूं। के बाद मैं अपने मसूद साथ सलमान को उसकी उसरो जवानी, अकलो दानिश और डिग्री और तमगे के साथ मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के हवाले करता हूं, क्योंकि मैं उसकी याद का बोझ अकेला नहीं उठा सकता। शालाकोट के लोगों, गवाह रहना, आज के बाद मास्टर मूसा की दावेदारी का हर दावा खत्म होता है। अब वो सिवाय एक जाने मुस्तार के किसी शय का दावेदार नहीं। बीबी जी चौधरी सरफराज ने ये गाड़ी भिजवाई है, ये है इसकी चाबी। और चौधरी सरफराज ने अपने कपड़े भी मंगवाए हैं बीबी जी। छुपते फिरते हैं जी।